हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष बचवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। पार्ट 4 में जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी क्वेश्चन को हमें आज कैरी फॉरवर्ड करना है। हमने चार टॉपिक्स पढ़ लिए, आज हम फिफ्थ टॉपिक से शुरू करने जा रहे हैं। हमारा फिफ्थ टॉपिक है यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग अ क्राइसिस, कि जब भी इंडिया में किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है तो किस तरह का अरेंजमेंट होता है उन इमरजेंसी सिचुएशन में। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, एक नेशनल इमरजेंसी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहले अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ वॉर, जब किसी और कंट्री के लोग, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, किसी भी कंट्री की तरफ से हमारी कंट्री की तरफ अगर वॉर डिक्लेयर की जाए, मतलब हमारे साथ युद्ध करने की परिस्थिति शुरू हो, तो ऐसे में या फिर किसी जगह से एक्सटर्नल अटैक हुआ हो, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, ओके, या फिर किसी भी जगह से बहुत सारे लोग, अनजान लोग इंडिया में घुस गए हो और वो हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसके लिए अलग से हमें रूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं और वहाँ पे हम किस तरह से काम करेंगे उसके बारे में हमें बताया गया है नेशनल इमरजेंसी में। सेकेंड इमरजेंसी है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। अगर कोई भी इंसान या फिर कोई भी ग्रुप जो एक साथ मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते हैं या नियमों को तोड़ते हैं, तो द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कोई भी राज्य नियमों के अनुसार काम नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर की जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जब भी अब वोटिंग हुई थी लास्ट टाइम, तो उस वोटिंग के टाइम पे कुछ क्राइसिस हुए थे, कुछ दंगे फसाद हुए थे, तो उसको रोकने का काम उस टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लागू कर देते हैं। जैसे हम बात करें गुजरात के, तो गुजरात में 3 साल पहले पटेल आंदोलन हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ नॉर्मल जो चीज़ें हैं जो आपने रियल लाइफ में फेस की होगी, उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी जो रेगुलर खाने पीने की चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें रैपिडली प्राइस राइज हो जाती है, भाव जो है किसी भी चीज़ के बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, महंगाई रातों रात बढ़ जाती है, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, या फिर लोगों के पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचते। ओके, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द प्राइस राइज देयर इज अ मॉनेटरी वैल्यू इरोशन, मतलब कि जो पैसों की कीमत है वो कम होती जाती है, ओके, बट भाव बढ़ता जा रहा है। कीमत मतलब कि आपके पास अगर मानो आज 6,000 रुपये है, उससे आप अगर कोई भी 100 चीज़ें खरीद सकते हो, पर अभी रातों रात भाव बढ़ गया, इस 6,000 रुपये से आप सिर्फ 50 चीज़ें खरीद सकते हो, मतलब कि चीज़ें महंगी हो गई और पैसे की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी और तब गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन अ मोर पावर टू डील विद दिस टाइप ऑफ द इमरजेंसी, इस तरह की इमरजेंसी में डील करने के लिए सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी इंडिया इज ऑलमोस्ट टर्न इनटू अ यूनिटरी सिस्टम, मतलब कि एक हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है सारे स्टेट्स को जिनको उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। तो ये था हमारा अरेंजमेंट ड्यूरिंग अ क्राइसिस, जहाँ पे हमने तीन इमरजेंसी के बारे में पढ़ा, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। सेकंड अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो है बाइकैमरल प्रैक्टिस, मतलब कि अब इस चीज को क्लियरली अगर हम समझें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके तीन अलग अलग पिलर्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर में, तो सबसे पहला है लेजिस्लेटिव, फिर है एग्जीक्यूटिव और फिर है ज्यूडिशरी। लेजिस्लेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे दो पार्ट होते हैं, राज्यसभा, जिसे हम कहते हैं अपर हाउस, और फिर होता है लोकसभा, जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस। वैसे ही स्टेट में दो टाइप्स होते हैं, इसी तरह से अपर हाउस एंड लोअर हाउस, बट नाम होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम कहते हैं अपर हाउस, और लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो डोंट वरी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके।
सिर्फ पर्टिकुलर इसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ। बायकेमिकल प्रैक्टिस अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई कन्फ्यूजन रह रहा है यहाँ पे, सो डोंट वरी, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है इंडिया के अंदर। ओके, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग द पीपल। सबसे ज्यादा पावर होते हैं पार्लियामेंट के पास, क्योंकि यहाँ पे जो हम जिस भी लोगों को चुनते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसे हम कहते हैं सांसद। सांसद के अंदर जाते हैं, वो हमारी तरफ से न्याय मांगते हैं, हमारे लिए वो लोग लड़ते हैं और नियमों की अदला बदली भी करते हैं। लेजिस्लेटर एट द यूनियन इज द पार्लियामेंट। ये जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटर, वो सबसे सेंट्रल में होता है। पार्लियामेंट इज अ बायकैमरल, यहाँ पे दो तरह के पार्लियामेंट होते हैं, मतलब कि यहाँ पे दो हाउस हैं, दो घर हैं, एक है अपर हाउस एंड एक है लोअर हाउस। अपर हाउस को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा, जो भी मैंने आपको समझाया, और लोअर हाउस को हम कहते हैं लोकसभा। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यूनियन की, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, यूनियन में। यही चीज स्टेट में हो जाएगी तो उसके नाम अलग हो जाएंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। ओके, थ्रू द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन इट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये जो गवर्नमेंट होती है, ये किसके नाम पे चलती है, प्रेसिडेंट के नाम पे चलती है सेंट्रल में। ओके, और वैसे ही स्टेट के अंदर कौन होता है सबसे ऊपर, गवर्नर। स्टेट की गवर्नमेंट किसके नाम पर चलती है, गवर्नर के नाम पे चलती है। बट इसका एक्चुअली काम कौन करता है, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि मैनेजमेंट का काम कौन करता है। देखो यहां पे मैं क्लियरली समझाने के लिए लिख रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर अथॉरिटी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। ओके, बस अथॉरिटी होती है, काम ये नहीं करता। काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही स्टेट में सबसे, किसी भी राज्य में, इंडिया में सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है, तो गवर्नर के पास होती है। बट उसका काम कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके नीचे काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के। इनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। एंड द यूनियन एंड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। तो यूनियन में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट में कौन होता है सबसे ऊपर, चीफ मिनिस्टर। ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये लोग एक्चुअली में काम करेंगे। ओके, प्रेसिडेंट का काम और गवर्नर का काम सिर्फ ऑर्डर देना है और काम को मैनेज करना है, जैसे कि हथियार की अदला बदली, आर्मी की सुरक्षा। ओके, यूएन में रिप्रेजेंट करना, जो हमने आगे आगे पढ़ा। ओके, ऐसे बड़े बड़े कामों को ही ज्यादातर कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट का काम बहुत ही कम होता है, सबसे कम लेस वर्क होता है प्रेसिडेंट का। सबसे ज्यादा काम होता है प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का। तो क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेटर। ओके, कॉम्प्राइज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। यहाँ पे अलग अलग लोग होते हैं, जहाँ पे 12 लोग जो हैं एक्सपर्ट होते हैं। ओके, अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, और ये 12 लोग कहाँ पर होते हैं, राज्यसभा। अभी आपके पल्ले नहीं पड़ता होगा, सर ये सब क्या बोल रहे हो, कहाँ से आ रहा है, तो देखो इस चीज के लिए क्लियरली बता दूं कि राज्यसभा में टोटल 250 लोग होते हैं, जिसमें से 12 लोग जो हैं प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। मान लो ये राज्यसभा का फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें टोटल कितने लोग होते हैं, 250, जो गुजरात के अलग अलग कोनों से सिलेक्ट होकर आते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में से लिए, हर राज्य में से सिलेक्ट करने वाले मेंबरों की संख्या लिमिट होती है। ओके, जैसे कि इन 250 में गुजरात के हर साल सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, 11। और ये कितने कितने साल पे चेंज होते हैं, हर 3 साल पे चेंज होते हैं। अब ये सब मुझे कहाँ याद रहा, तो ये टॉपिक एक्चुअली चैप्टर नंबर 10 का है। ओके, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ऐड कर दिया गया, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए एक्चुअली में पहले चैप्टर 10 पढ़ना चाहिए आपको और बाद में चैप्टर 8 पढ़ना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 250 लोग हैं, इसमें से 12 लोग प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं और 238 लोग जो है वो अलग अलग राज्य से भी बिलोंग करते हैं। हालांकि ये 12 लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके पास ज्यादा नॉलेज होता है और ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। ओके, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस कहते हैं। यहाँ के लोग जो हैं, हर एक तिहाई लोग, मतलब कि 1/3 मेंबर, हर 2 साल पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मतलब कि राज्यसभा में जो 250 लोग हैं, हर कितने साल पे चेंज होते हैं, 2 ईयर्स। मैंने अभी आपको 3 साल बताया, बट ये एक्चुअली 2 साल होता है। कितने मेंबर, 1/3। अगर आप इसका 1/3 करोगे तो कितना होगा, अराउंड 80 के आसपास।
ओके अप्रॉक्स। तो हर साल हर दो साल पे 80 जितने मेंबर जो हैं क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और ये परमानेंट हाउस है। मतलब कि अगर आप राज्यसभा के मेंबर बन गए तो अगर आपको यहां से निकाला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली रिटायरमेंट। ऐसा क्यों, सबसे बड़ा सवाल। अब देखो यहां पे एक चीज समझो कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंट है। दोनों का टर्म होता है, इसको इसका टर्म होता है 6 साल, इसका टर्म होता है 5 साल। मानो कि बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, आप लोकसभा के एमएलए, आपने सुना होगा कि ये हमारे एमएलए है, तो इसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, जो लोकसभा में काम करते हैं एमएलए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने उनको वोट दिया है इसलिए वो यहां पर है। ओके, उनके पास अथॉरिटी है इसलिए वो अपना बढ़ावा करते हैं और दिखावा करते हैं, बाकी उनके पास इतनी कोई पावर नहीं। अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे, नेक्स्ट ईयर कांग्रेस आ जाएगी तो ये एमएलए निकल जाएगा यहां से, इसके पास की जो पावर थी वो चली जाएगी। तो ये 5 साल के बाद अगर इनको हटा दें तो ये रिटायर नहीं होती, जबकि इनकी जॉब चली जाती है, इनका काम हट जाता है। जबकि राज्यसभा में अगर आप सिलेक्ट होके आते हो और अगर आप यहाँ पे आप 2 साल बाद एक्सचेंज किए जाते हो, मतलब आपकी जॉब छूट जाती है, मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, ये थोड़ी बहुत चीजें ऐसी है ना कि इसका जब तक चार्ट क्लियर ना किया जाए, जब तक इसको मैं डिटेल में समझा ना दूं, तब तक ये चीजें आपको अधूरी सी लगेगी। ओके, जबकि हम बात करें तो राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होती है। ओके, कंपेयर टू द लोकसभा विच इज अ स्पेशल, बट लोकसभा भी कोई कम नहीं है, उसके पास भी इतनी ही पावर होती है कि वो राज्यसभा के मेंबर को भी चेंज कर सकता है। बट एक चीज याद रखिए कि राज्यसभा जो है उसको हम कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं कर सकते, राज्यसभा के 250 के 250 मेंबरों को एक साथ रिमूव नहीं कर सकते। डिसॉल्व मतलब निकाल देना, ऐसा नहीं कि सबको निकाल दिया, चलो सब लोग काम सही से नहीं कर रहे, नए लोगों को लेकर आए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट लोकसभा में आप ऐसा कर सकते हो, जबकि राज्यसभा पूरे हिंदुस्तान में एक ही है और लोकसभा अलग अलग राज्य की होती है। बी रिमेंबर, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने राज्यसभा, तो ऐसा मत समझना कि हर राज्य में एक एक सभा होगी, नहीं, राज्यसभा एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक सांसद है, जहाँ पे अलग अलग राज्य के लोग मिलकर देश को चलाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये था बायकैमरल प्रैक्टिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट इम्पार्शल एंड इंटीग्रेटेड ज्यूडिशरी। ओके, इंडिपेंडेंट मतलब कि स्वतंत्र, बिना भेदभाव वाला और खुद ही पे डिपेंडेंट सही न्याय व्यवस्था, ज्यूडिशियरी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल ज्यूडिशियरी। हमारा भारत का संविधान बिना भेदभाव के और स्वतंत्र हर इंसान को समान न्याय देने की एक गणना करता है। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, चैप्टर 11 का टॉपिक है, सबसे ऊपर टॉप में कौन सी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद राज्य में अगर हम बात करें स्टेट में सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट है, हाई कोर्ट, और उसके बाद फिर नीचे ज्यूडिशियल अलग अलग तरह की कोर्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका कोर्ट है तालुका लेवल पे, और कुछ अलग अलग लोकल और स्पेशल कोर्ट भी बनाई गई है। जैसे अगर हम बात करें स्पेशल कोर्ट्स, तो जैसे कि अगर पोटा कोर्ट्स, टेररिज्म एक्ट, अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उसके लिए अलग से एक कोर्ट बनाई जाती है, दैट इज द पोटा कोर्ट। सेकंड अगर हम बात करें तो फिर आपने सुना होगा ग्राहक सुरक्षा, ओके, ग्राहक सुरक्षा पंच, तो वो एक अलग से आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो, वो ग्राहक सुरक्षा पंच है, वो भी एक तरह की अलग से स्पेशल कोर्ट है। तो इस तरह की अलग अलग स्पेशल कोर्ट जो है हमें ज्यूडिशियरी में मिलती है। जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग टू ऑल द सबोर्डिनेट कोर्ट ऑफ द नेशन। सुप्रीम कोर्ट का एक बार अगर जजमेंट आ गया तो उसको हर एक कोर्ट को मानना पड़ता है, कंपल्सरी होता है। इन द केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट ने बोल दिया तेरे को ये करना है, बट स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं मैं ये चीज नहीं करूंगा क्योंकि तेरे नियम खराब है, तो ये इन दोनों के जो झगड़े हैं कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट, बट किसकी हेल्प से, नियमों की मदद से, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। ओके, और किसी भी राज्य के बीच में कोई भी तरह की दिक्कत होगी तो कौन सॉल्व करेगा, और स्टेट का प्रॉब्लम, सुप्रीम कोर्ट। ओके, एंड सबसे डिसीजन जो फाइनल डिसीजन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, जो कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप कहीं पे भी आगे नहीं ले जा सकते, दिस इज द लास्ट वर्डिक्ट विच इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द यू इन एनी केस। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर, आपको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, एंड आपका गार्डियन है, आपके पेरेंट्स की तरह आपको सपोर्ट करता है नियमों में। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इंडिया में, जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट प्रोवाइड करती है। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अब अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस करना। अब हम नियमों में कैसे बदलाव कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी है कि कोई भी गवर्नमेंट आ गई वो नियमों में बदलाव कर देगी। तो कंपेयर टू द अदर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ डायनेमिक, डायनेमिक मतलब कि थोड़ा डिफरेंट है, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बट कुछ रूल्स को फॉलो करना है, बिना रूल्स को फॉलो करके हम उसको चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट एज व्हेन रिक्वायर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में हम कभी भी बदलाव कर सकते हैं, जब उसकी जरूरत हो तब ही। ऐसा नहीं कि ये नियम हमें हमारे बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करेंगे, ऐसा नहीं। नियम में बदलाव तभी होगा जब लोगों का भला होगा और लोगों को लगे कि हाँ ये नियमों में बदलाव करने की जरूरत है। और नियमों को बदलने के तीन तरीके हैं हमारे पास, तीन मेथड। सबसे पहले मेथड, अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा, जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उनकी मेजोरिटी। हम लोग वोटिंग करेंगे कौन कौन लोग इसमें हाँ कहना चाहते हैं या ना कहना चाहते हैं। तो हाथ नहीं उठाना आपको, आपको क्या करना है, एक चीट मिलेगी उसमें लिखकर आपको एक वैलेट बॉक्स के अंदर डाल देना है, और ऑन द स्पॉट, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हो, एक ही घंटे में उसका कैलकुलेशन भी हो जाता है आपके सामने ही, और जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाता है कि मेजोरिटी क्या कहती है, कि नियम में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहला नियम कि हम लोग जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनसे हम वोटिंग करवा सकते हैं पार्लियामेंट में और नियमों में बदलाव कर सकते हैं। सेकंड बात करें तो सर्टेन अमेंडमेंट रिक्वायर, कुछ कुछ नियम ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं बदल सकते। जैसे अगर हम बात करें आर्मी के रिलेटेड कोई चीज हो, एजुकेशन के रिलेटेड कोई चीज हो, ओके, हर एक नियम की अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी स्पेशलिटी है, तो कुछ नियमों को ऐसे नहीं बदल सकते। कुछ नियमों को बदलने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और देखो मेजोरिटी का मतलब मान लो कि 100 लोग हाजिर हैं, तो अगर 51 लोग हाँ कह रहे हैं, उन 50 लोग मना कर रहे हैं, तो मेजोरिटी तो हाँ ही आ रही है, तो ये पहली टर्म हो गई। सेकेंड टर्म में अगर कुछ स्पेशल होगा तो 100 में से 2/3 मतलब कि मिनिमम 66 लोगों की हाँ होनी बहुत ही जरूरी है, ओके, मतलब ये मेजोरिटी से भी ज्यादा हुआ। यहाँ पे मेजोरिटी तो देखी जाएगी बट 66% से ज्यादा होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी ही चाहिए, मतलब 66 लोगों को हाँ कहना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे 55, 59 या 64 भी नहीं, 65 ही नहीं चलेगा, 66 से प्लस ही होनी चाहिए या 66 होनी चाहिए, तभी उस मेजोरिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उन नियमों में बदलाव कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रिंग इन द यूनियन स्टेट रिलेशन, किसी भी राज्य के काम के रिलेटेड कोई भी बात हो, राज्य के काम के रिलेटेड कोई बात हो, तो उसको बदलने के दो तरीके। एक तो जो मैंने आपको बताया 2/3 मेजोरिटी, वो तो होनी चाहिए कॉन्सर्न, एंड नॉट लेस देन द 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य में जितने प्रेजेंटेड पर्सन है उसके 50% से कम नहीं होने चाहिए। अब देखो राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा में 250 मेंबर, लोकसभा में 550 मेंबर, तो यहां पे मिनिमम आपको 60% मतलब कि 2/3% मतलब कि 80 लोगों की मेजोरिटी तो चाहिए, मतलब चाहिए इन दोनों की मिलाकर, 250 प्लस 550 की मिलाकर आपको इसकी 80%, और इसकी अगर आप करोगे तो अराउंड 175 के आसपास जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी 60% मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी इन दोनों को मिला के, पर इन दोनों को मिलाने के बावजूद भी 50% से ज्यादा नहीं होता। ऐसा कैसा, देखो अगर आप देखो इसकी 2/3 मेजोरिटी, सॉरी ये 2/3 मेजोरिटी अराउंड हो जाएगी 375, हाँ ये गलत, ये 375 हो गया, ये 80 हो गया, ओके, तो इन दोनों को मिलाओगे तो ये 50% से ज्यादा ही होने चाहिए। देखो यहाँ पे 2/3 लोग हाँ बोल रहे हैं राज्यसभा में, लोकसभा में मना कर रहे हैं 2/3, तो भी नहीं चलेगा, दोनों में 2/3 होनी चाहिए या फिर 50% से ज्यादा ही होनी चाहिए। 2/3 नहीं होगी तो भी चलेगा, पर 50% से ज्यादा तो होनी चाहिए, ऐसा क्लियर समझाऊं, और अगर दिक्कत हो रही हो तो। नंबर वन मैक्सिमम मेजोरिटी, अगर 100 लोग हैं तो 51 लोगों ने हाँ कहा, उन 50 लोगों ने मना किया तो रूल बन जाएगा, मेजोरिटी है। सेकंड यही चीज, 100 लोग हैं, 66 मतलब कि 2/3 लोगों को हाँ कहना जरूरी है, और 33 मना करेंगे तो भी चलेगा, ना बोलेंगे तो भी चलेगा, बट 2/3 लोगों का हाँ कहना बहुत जरूरी है, मेजोरिटी होना जरूरी है। थर्ड टर्म में अगर 100 लोग हैं तो या तो 2/3 मतलब कि 66 होना चाहिए, या फिर आधे से ज्यादा, आधे कितने 100 मतलब कि 50 से ज्यादा होने चाहिए, दोनों चलेगा, 50 से कम नहीं, नॉट लेस देन 50% मतलब 50 से, इसके 50% कितने हुए 50, उससे कम तो नहीं होने चाहिए, ओके,
और मैक्सिमम 66 होने चाहिए, मतलब 50 से 66 तक लोग अगर हाँ बोलेंगे तो नियम बन जाएगा। ये तीन अलग अलग तरह के डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि हम संविधान में कुछ नियमों में बदलाव कर सकते हैं। देर इज एनी अमेंडमेंट टू बी मेड इन द इंटर रिलेशन बिटवीन द यूनियन, अगर किसी भी केंद्र में या फिर राज्य में किसी भी तरह की चेंजेस करनी हो, ओके, तो सुप्रीम जुडिशरी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। देन द हाफ ऑफ द स्टेट फ्रॉम द टोटल स्टेट हैव बीन गिव अ कॉन्स्टेंट, बट मानो अगर गुजरात में कोई नियमों की बदलाव करनी है तो इसकी पावर किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बट गुजरात के नियमों में बदलाव करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को गुजरात की परमिशन तो चाहिए ही चाहिए, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, साथ ही साथ हमारे जो 30 स्टेट्स हैं, 30, 29, वॉट एवर यू हैव टू से, उसके 50% जितने भी स्टेट हैं वो भी एग्री होने चाहिए कि हाँ गुजरात में ये चेंजेस, ये नियमों की चेंजेस करनी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देन द हाफ ऑफ द स्टेट फ्रॉम द टोटल स्टेट हैव गिव अ कॉन्स्टेंट, जितने राज्य हैं उसके आधे राज्यों की मंजूरी होनी बहुत ही जरूरी है। जजमेंट ऑफ द कोर्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट, ओके, कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अधीन भी आप नियमों में बदलाव कर सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियम बदलना है तो बदलना ही पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देयर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर सुप्रीम कोर्ट मना करता है कि इसमें कोई चेंज नहीं करना तो आपकी मेजोरिटी हो या ना हो इन तीनों का कोई मतलब नहीं रहेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो भी। ओके, तो एट द एंड फाइनल डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना किसके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट कैन ब्रिंग द चेंज, अगर थोड़ी सी भी ज्यादा मेजोरिटी आ गई तो भी चेंज हो सकता है, जो हमने फर्स्ट यूनियन में देखा, ओके, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज अ मोस्ट इनकॉन्स्टेंट एंड फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट, ओके, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सबसे ज्यादा इनकॉन्स्टेंट और फ्लेक्सिबल, कभी भी बदल सकते हो, फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट माना जाता है आज के टाइम में। सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल मेजोरिटी लानी है, आपको सेकेंड और थर्ड में नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, मानो 100 लोग अवेलेबल है, आपको सिर्फ 51 लोगों को बोलना है कि आप हमारे फेवर में बात करें, दैट्स ऑल, नियम बदल जाएगा। इतना ईजी है नियमों को बदलना। हालांकि नियमों को बदलने के बावजूद भी एट द एंड सुप्रीम कोर्ट इसको सोचने पे, विचार करने पे मजबूर होती है, वो चेक करती है कि इस नियमों से लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा। विदाउट मेजोरिटी कॉन्स्टेंट ऑफ द स्टेट इट इज़ नॉट अमेंडेबल, अगर किसी भी राज्य की मेजोरिटी नहीं है या फिर कोई भी लोग मेजोरिटी में नहीं बात कर रहे हैं तो नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। सो गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब, बिकॉज वी नीड योर हेल्प, प्लीज डू इट। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।